नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रेष्ठ भारत पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गुलविश। केजरीवाल का चुनाव कैंपेन लॉन्च हो गया है, तो महिला दिवस पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं को दी है सौगात। दक्षिण भारत में बीजेपी को मिलने वाला है एक और साथी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव का कैंपेन लॉन्च कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने नया नारा दिया है, संसद में भी केजरीवाल, दिल्ली होगी और खुशहाल। केजरीवाल के कैंपेन लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 7 सीटें जिता दीजिए। केजरीवाल ने दावा किया है कि वो बीजेपी से अकेले लड़ रहे हैं। किसी बीजेपी के एमपी की हिम्मत ही नहीं है जो आपकी आवाज उठा दे, तुरंत उसको दो ऊपर से डंडा मारेंगे ये लोग की, खबरदार तूने जो बीजेपी के खिलाफ बोला। केजरीवाल ने अपना कैंपेन लॉन्च करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पिछली बार दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन दिल्ली की जनता की आवाज नहीं उठाई। मैं आपकी आवाज बनूंगा, हमारे 7 एमपी आपकी आवाज बनेंगे। दिल्ली के अंदर डीडीए है, हमारी चलती नहीं डीडीए पे। 7 एमपी दोगे तो आपकी आवाज उठाएंगे, डीडीए में आपके काम करा के लाएंगे। दिल्ली पुलिस इनके अंडर में है, 7 एमपी आप हमें दोगे, दिल्ली पुलिस में आपके सारे काम करा के लाएंगे। दिल्ली में इतनी सारी केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, किसी में आपकी आवाज नहीं है, दिल्ली वालों की आवाज नहीं है। इन सारी जगहों के ऊपर ये दिल्ली के एमपी आपकी आवाज बनेंगे। तो अब हमारे अगले महीने 2 में जब भी चुनाव होता है, तब तक हमारे कार्यकर्ता एक एक घर में जाएंगे, 2 या 3 पूरी दिल्ली का राउंड लगाया जाएगा, आके आपके पैर छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, अपील करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे और आपसे वोट मांगेंगे। इनको वोट नहीं चाहिए, मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से संगठन है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। पूरे देश में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 100 की कटौती की गई है। लोकसभा चुनाव से पहले घरेलू गैस सिलेंडर 100 सस्ता हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका ऐलान किया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके ये जानकारी दी कि महिला दिवस के मौके पर देश की सभी शहरों में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। पिछली बार अगस्त 2023 में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 200 की कटौती की गई थी, इस बार 100 की छूट दे दी गई है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट के साथ महिलाओं से जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया है। गैस सिलेंडर की कीमतों पर लगातार दूसरे दिन देश को ये तोहफा मिला। कल मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिल रही है वो जारी रहेगी। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत 400 की छूट मिलती है। अब की बार 400 पार की जद्दोजहद में जुटी बीजेपी को दक्षिण भारत में नया साथी मिल सकता है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी से बीजेपी का गठबंधन करीब करीब फाइनल हो गया है। तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और आंध्र प्रदेश में एक साथ होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और क्षेत्रीय पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना पर बातचीत की। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों पार्टियां हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। अब सीट बंटवारे पर बात चल रही है। पिछले कुछ महीनों से दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात थी। टीडीपी नेताओं ने कहा कि गठबंधन बनाने में अब और देरी फायदेमंद नहीं होगी क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं। अभिनेता पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जन सेना पार्टी भी एनडीए में आ सकती है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जन सेना पार्टी एक साथ है। टीडीपी पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा
रह चुकी है, लेकिन 2018 में बाहर हो गई थी। नायडू ने फरवरी में शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा और 175 विधानसभा सीटें हैं और भाजपा 8 से 10 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की इच्छुक है। टीडीपी के सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की स्थिति में बीजेपी 5 से 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जनसेना 3 और उनकी पार्टी बाकी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। टीडीपी से गठबंधन में एक पेच ये भी है कि केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का समर्थन भी करती है। जगन मोहन रेड्डी भी संसद में बीजेपी के पक्ष में वोट देते हैं। ऐसे में जगन के विरोधी टीडीपी से गठबंधन को लेकर थोड़ा सा पेच है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आज आ सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बार भी अमेठी से ही वो मैदान में नहीं उतरेंगे। कांग्रेस आज लोकसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले बड़ी बात यह है कि यूपी से गांधी परिवार फिर मैदान छोड़ने वाला है। राहुल गांधी फिर केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने वाले हैं, जबकि सूत्रों के मुताबिक अमेठी और रायबरेली को लेकर अभी कोई नाम तय नहीं हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक के बाद अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस कायम है। खबरें थी कि यूपी के कांग्रेस संगठन की तरफ से रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी का नाम भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने इस पर मोहर नहीं लगाई है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का यूपी से पलायन हो गया है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सुबह से आज देश में यही जयकारा गूंज रहा है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के मंदिरों शिवालयों में भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आधी रात से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। महाकालेश्वर मंदिर में सुबह की भस्म आरती देखने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। मंदिर के बाहर कई LED स्क्रीन पर बाबा महाकाल की आरती दिखाई गई। उज्जैन के अलावा वाराणसी, देवघर, ओंकारेश्वर और हरिद्वार में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। महाशिवरात्रि पर इस बार अनोखा संयोग बना है। ज्योतिष की गणना के मुताबिक महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि में सूर्य, शनि, बुध का संयोग बना है। इस प्रकार के योग 3 शताब्दी में 1 या 2 बार बनते हैं। इस महायोग में महादेव की पूजा का विशेष फल मिलता है। तो ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। द श्रेष्ठ भारत शो में हम कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।